सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालयों में अनेक कार्यक्रम किए गए। जनपद भर में राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती जगह जगह पर मनाई गई। इसी तरीके से सभी स्कूलों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कहीं कहीं पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई कार्यक्रम किया गया तो कहीं पर बच्चों के बीच बैठकर गायन प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया तो कहीं पर निबंध प्रतियोगिता तो कहीं पर जिलाधिकारी के साथ आला अधिकारी भी गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण व फूल चढ़ाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन अनोखी चीज़ देखने को मिली। सुदिति ग्लोबल एकेडमी की छात्राओं ने सजीव झांकी 3 बंदरों की बनाकर जैसे गांधी जी ने संदेश देने की कोशिश की है। महात्मा गांधी ने पूरे देश में यह संदेश दिया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। यह गांधी जी के मूल मंत्र थे, उसी को पूरे भारत में संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा शपथ दिलाई गई कि हम अपने घर, गांव और पूरे देश को स्वच्छ साफ रखेंगे। इसी बीच सेंट थॉमस विद्यालय के माध्यम से ही बच्चों का कार्यक्रम दिखाया गया जिसमें मनमोहक झांकियां सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बच्चों व टीचर स्टाफ द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया गया जिसमें सेंट थॉमस विद्यालय के फादर नोवी सर रहमान, राजेश, आराधना, मौसमी, जूली, जोमी, दीपा, तरुण, अंजलि, मनोज आदि उपस्थित रहे। सर, जैसे कि आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रीय पर्व है और विद्यालय के द्वारा क्या कार्यक्रम रखा गया? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बच्चों की ओर से श्रमदान किए गए हैं। हमारे स्कूल के आसपास के इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन को साथ लेते हुए उसी में हम लोग भाग लिए थे बच्चों की ओर से। हम स्कूल के बच्चों को 7 ग्रुपों में बांध के आसपास के 7 जगहों पर सफाई का अभियान किए हैं और स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है महात्मा गांधी की याद करते हुए। उनकी जो अच्छे अच्छे जो संदेश है, उनकी जो दर्शन शास्त्र पर मैसेज दिया गया है और बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी आज के दिन। जी सर, क्या नाम है आपका? फादर नोबी। सर, ये जो आज आपके स्कूल में कार्यक्रम हुए सुदिति ग्लोबल में, वो किस तरह के कार्यक्रम थे और क्यों कराए गए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये हमारे पेरेंट्स और बच्चों का हम आभार व्यक्त करेंगे कि जो आज हमने गांधी जी की जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती का जो सेलिब्रेशन था उसमें सारे बच्चे हमारे रिपोर्ट किए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर बहुत से प्रोग्राम हुए हैं जिसमें बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत सुंदर मनमोहक झांकी निकाली बच्चों ने। उसमें उन्होंने अपने विभिन्न जो उनके रूप थे उनको दिखाया और जो गांधी जी के बंदर थे उनका प्रत्यारूप दिखाया वहाँ पर, और उसका मैसेज था कि हम किस तरह से अपने जीवन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं उन चीज़ों का। दूसरा, उसके बाद हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं उन सब ने मिलकर जो है एक बहुत अच्छी रैली का आयोजन किया जो फिट फॉर इंडिया मूवमेंट है, जिसके अंतर्गत बच्चों ने एक रैली निकाली जो आसपास के लोग हैं उनको जागरूक किया कि किस तरह से अपने आप को हमें फिट रखना है, किस तरह से हमें अपने आप को जागरूक रखना है और किस तरह से अपने आसपास के वातावरण को हमें स्वच्छ रखना है। बच्चों ने वहाँ स्वच्छता का संदेश दिया और जो आसपास के जितना भी उनके आसपास का एरिया था उसको उन्होंने वहाँ से जो पॉलीथीन वगैरह थी, कूड़ा करकट था, उसको वहाँ से साफ किया आज के इस उपलक्ष्य में। दूसरा, इसके साथ साथ बच्चों ने ये भी प्रण लिया कि हम अपने आसपास या अपने घर में या आसपास माहौल में कहीं भी सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग या प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं होने देंगे। तो कोशिश करेंगे हमारे सुदिति स्कूल के बच्चे कि वो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर उपस्थित हैं, उसके आसपास कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना हो, जो एक बहुत बड़ा महाअभियान है जो शुरू हुआ है 2 अक्टूबर के दिन, और हम सभी उसको सम्मिलित होकर एक साथ में उसका हम एक तरह से कहा जाए कि
हम सारे एक साथ में उस अभियान में हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चों का सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।